तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बोल, और बोल में डालेंगे हम 200 ग्राम बेसन, और इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर 2 बड़े चम्मच, चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 छोटा चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, हरी मिर्च डालेंगे 2 कटी हुई, और इसमें डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ, और थोड़ा सा धनिया डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इन्हें अच्छे अच्छे से इन्हें आराम आराम से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें हम डालेंगे पानी, और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और इसका एक गाढ़ा सा घोल बनाना है, इस मिक्सचर का एक गाढ़ा सा हमें पेस्ट बनाना है, और आराम आराम से हम इसे चलाते रहेंगे जिससे कि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड यू आर वॉचिंग संगीता रोशन। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है, और आप इसे कभी भी शाम को बना करके खा सकते हैं, या कभी भी नाश्ते में भी संडे वाले दिन आप छुट्टी वाले दिन बना करके खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। और अब देखिए हमने ब्रेड के इस तरीके से स्लाइसेस कर लिए हैं और किनारे निकाल लिए हैं, और इसे हम ब्रेड को अब इसमें डिप करेंगे, और मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया है, तो ये देखिए अब इन्हें इसमें डाल देंगे और इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से एक और ब्रेड के स्लाइस को हम डिप कर लेंगे इस मिक्सर में, और इसे हम इसमें डिप कर लेंगे, और यकीन मानिए इसे बनाने के बाद चाय के साथ आप इसे खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और साथ में हरी वाली कोई भी चटनी हो तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो ये देखिए इसे हम इस तरीके से दूसरी साइड पलट लेंगे, और 3 से 4 मिनट हमें एक साइड पकाना है, देन 3 से 4 मिनट हमें इसे दूसरी साइड पकाना है, और ये बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम थोड़े से स्लाइसिस और डिप करके इसमें डाल लेते हैं कढ़ाई में, तो ये देखिए इस तरीके से, और इन्हें भी हम अच्छे से चला लेंगे 3 से 4 मिनट एक साइड, और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड हम इन्हें पका लेंगे अच्छे से। इसे जब हम खाते हैं तो प्याज का, धनिया का और हरी मिर्च का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, और कॉर्नफ्लावर हमने इसमें डाला है तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और ये देखिए ये हमारी नाश्ते की टेस्टी वाली रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है, तो आप भी इसे एक बार इंजॉय करें। आई होप आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई होगी। अब इसमें हमने सॉस लगाया है और इस तरीके से हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को एक बार प्रेस जरूर करें, और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा फैला दें, वायरल कर दें, और मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नए एंटरटेनिंग वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय।